सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ डिटेल्ड वॉक अराउंड रिव्यू द ऑल न्यू 2020 डिजायर का। तो इंडियन मार्केट में कंपनी ने इस गाड़ी को लॉन्च कर दिया था, काफ़ी टाइम हो चुका है, बट लॉकडाउन के कारण जो है इसका रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाया था। ऑल द वे ये भी एक वॉक अराउंड रिव्यू है, ड्राइव रिव्यू जो है थोड़े टाइम बाद में शेयर करूंगा, बिकॉज जहाँ पर मैं रहता हूँ गाड़ी अभी यहाँ पर आई है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है डेमो। तो जैसे ही डेमो व्हीकल रजिस्ट्रेशन होता है मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। एंड साथ ही अभी ये जो मॉडल है ये ZXi है, उसके बाद में एक VXi वेरिएंट का भी जो है रिव्यू आने वाला है इसी वीडियो के बाद में, तो अगर आप चाहें तो उस वेरिएंट को भी देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रंट से। तो यहाँ पर आपको हैलोजन लैंप मिलते हैं एंड वहीं पर साथ में इंडिकेटर्स की माउंटिंग जो है वो यहीं पर की हुई है। आप देख सकते हैं जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छी है, क्रोम ट्रीटमेंट जो है आगे गाड़ी में काफ़ी अच्छी तरीके से दिया हुआ है। फॉग लैंप जो है वो कुछ इस टाइप से दिखाई दे रहे हैं, वो भी जो है आपको हैलोजन में मिलते हैं, कोई प्रोजेक्टर वगैरह हेडलैम्प यहाँ पर आपको नहीं दिखते हैं, को मिलते हैं। और एंड क्रोम का जो है काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ है गाड़ी में, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्रोम लाइन दी हुई है। और ग्रिल जो है वो पूरी चेंज कर दी गई है, अब नई ग्रिल आ गई है, पहले जो है कुछ इस टाइप से ग्रिल आया करती थी। ऑल द वे जो है पहले वाली जनरेशन है वो स्विफ्ट है, डिज़ायर है, बट इसमें भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो ग्रिल जो है वो काफ़ी बड़ी और अच्छी कर दी गई है। एंड सुजुकी का लोगो जो है यहाँ पर दिया हुआ है। बोनेट जो है वो काफ़ी स्वैप्ड अप है और एरोडायनेमिक जो है इसके काफ़ी अच्छे हो गए हैं एंड उसी की वजह से। और जो इंजन नया आया है BS6, उसमें आपको माइलेज भी ज़्यादा मिलता है, और अपन इंजन बे को जो है ओपन करके देखने वाले हैं। एंड फ्रंट में ही पर आपको टोइंग हुक दिया हुआ है कि कभी आपको ज़रूरत पड़ जाए तो वहाँ से आप टोइंग हुक को जो है प्ले करके गाड़ी को आप टो कर सकते हैं। साइड में यहाँ पर आपको जो है सिल्वर कलर के ये अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, 15 इंचेस के व्हील्स हैं ये। यहाँ पर आपको प्रोफाइल देख सकते हैं, 185/65 R15 टायर्स हैं ये। तो अब मैं आप लोगों को एक बार इंजन बे जो है वो ओपन करके बता देता हूँ, तो इंजन कंपार्टमेंट कैसा है वो देख लेते हैं। एंड यहीं से जो है ये इंजन कंपार्टमेंट ओपन करा, तो पहले से ये जो हुड है ये मेरे को थोड़ा सा हैवी लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई। मैं इसको अभी जस्ट आपके सामने ही कंपेयर करूंगा। ओल्ड वाली वापस से जो डिज़ायर है वो भी खड़ी हुई है पास में, तो ये इंजन बे है देख सकते हैं। एंड नीचे यहाँ पर इंसुलेशन वगैरह जो है बहुत अच्छी करी हुई है, यहाँ पर भी इंसुलेशन की हुई है, ये देख सकते हैं अच्छे से आप। तो अंदर अभी एक बार इसको चला के जब देखेंगे तभी पता चलेगा कि साउंड वगैरह में अंदर इंटीरियर में फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा है। ऑल द वे जो 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है ये बहुत ही साइलेंट है, रिफाइन है, तो ये देख सकते हैं। स्पेस काफ़ी अच्छी है, रेडिएटर से जो इंजन की स्पेस है वो काफ़ी अच्छी है, कभी आप एक्सीडेंट वगैरह होता भी है तो कंट्रोल जोन वगैरह से जो है और रेडिएटर वगैरह जो है ये यहाँ पर डैमेज होंगे, बट इंजन में कोई डैमेज नहीं होगा। तो स्पेस जो है वो देख सकते हैं वो अच्छी है, यहाँ पर बैटरी माउंट की हुई है एंड ABS सेंसर वो रहा वहाँ पर, ओके। बाकी फ्लूइड्स वगैरह जो हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं, ब्रेक फ्लूइड्स, वॉशर वाइपर के फ्लूइड्स वगैरह, तो इसको बंद कर देते हैं। एंड ये आपने थर्ड सुनी, तो थर्ड भी थोड़ी सी हेवी ही आई है पहले वाली डिज़ायर से। बाकी अगर यहाँ पर अपन बात करें तो ये सब क्वालिटी जो है यहाँ पर और ऊपर की मैं बता रहा हूँ वो सेम ही है। एंड यहाँ पर ये दो वाइपर दिए हुए हैं और दो आपको स्प्रे मिल जाते हैं। ऊपर की साइड में जो है कोई शार्क फिन एंटीना नहीं मिलता है इस वेरियंट में, एंड साथ ही ये क्रोम लाइन जो है वो ज़रूर से मिल जाती है। ORVM के ऊपर ही यहाँ पर इंडिकेटर्स प्लेस किए हुए हैं, ग्राउंड क्लियरेंस बिल्कुल सेम है, उनमें कोई चेंजेस नहीं है। और इस गाड़ी में कोई एक्सेसरीज वगैरह नहीं लगी हुई है, ये सभी चीज़ें जो स्टॉक है मतलब आएगी ही। रिक्वेस्ट सेंसर डोर लॉक अनलॉक फीचर दिया हुआ है, की एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ, तो ये जो की है इस गाड़ी की लॉक अनलॉक का फीचर दिया हुआ है। एंड ये बूट रिलीज़ का, तो बूट रिलीज़ एक बार करके ज़रूर से देखते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस कम है, इसको मैंने प्रेस करके रखा एंड ये बूट ओपन हो गई, तो शायद वही 348 लीटर समथिंग का बूट है। एक बार मैं यहाँ पर आपके लिए लिख भी दूंगा कंफर्म करके। तो ये है इस गाड़ी का बूट। एंड स्पेयर टायर जो है वो देख लेते हैं, तो यहाँ पर जो स्पेयर व्हील है वो दिया हुआ है 165/80 R14, कॉस्ट कटिंग की हुई है मारुति सुजुकी ने यहाँ पर। एंड जो इसका एंगल है वो काफ़ी अच्छा है, बट जो फ्लोर है वो डीप है, यहाँ से आप देख सकते हैं मतलब ऑलमोस्ट इतनी ज़्यादा जो है डिस्टेंस है, तो सामान एक बार आपको उठाने में और निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आनी है। बट अगर सेडान के हिसाब से अगर कंपेयर किया जाए तो कंपेरेटिवली इसके राइवल्स में भी आपको ऑलमोस्ट इतनी गैप तो मिलती ही है। ओके, अब हुई है बंद, मतलब थर्ड पीछे भी जो है थोड़ी अच्छी हुई है पहले से। एंड यहाँ पर भी आपको क्रोम की पूरी एक लाइनिंग दी हुई है, सुजुकी का लोगो दिया हुआ है एंड ये डिज़ायर का लोगो। LM जो है उसमें भी थोड़े से चेंजेस किए हुए हैं पीछे, रिक्वेस्ट सेंसर्स आपको पीछे, यहाँ पर आपको जो है रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दिए हुए हैं। एंड यहाँ पर आपको कोई कैमरा वगैरह जो है वो नहीं मिलता है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर आपको नॉर्मल जो है नेम प्लेट लाइट दी हुई है। एंड ये रिफ्लेक्टर्स यहाँ पर दिए हुए हैं बम्पर के ऊपर दोनों ही साइड में,
एंड नीचे से कुछ स्टेप्स लगती है ये डिज़ायर, एंड टोइंग हुक पीछे भी दिया हुआ है। यहाँ पर ये फ्यूल लीड एंड साइड का लुक यहाँ से देख सकते हैं, कुछ इस टाइप से आ जाते हैं रियर साइड में। तो जो डोर की ओपनिंग है वो काफ़ी अच्छी है, वाइड ओपन होते हैं डोर। एंड अगेन वही बैज एंड ब्लैक इंटीरियर है ड्यूल टोन में। 3 पॉइंट सीट बेल्ट, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स यहाँ पर आपको मिल गए हैं, और जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल है इस गाड़ी के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड हेडरूम एरिया है वो भी काफ़ी अच्छा है, अंदर आना बाहर उतरना वो भी इजी है। तो एक बार मैं अंदर आ जाता हूँ। इस सीट को जो है मैंने पूरी पीछे करी हुई है, पूरी पीछे होने के बावजूद भी मेरे पास में स्पेस जो है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। यहाँ पर भी आपको जो है अब ये पन्नी लगी हुई है, बाकी यहाँ पर आप जो है अपनी मैगजीन्स वगैरह रख सकते हैं। ऊपर आपको ये जो है लैम्प मिल जाता है, एंड साथ ही यहाँ पर हैंडल्स दिए हुए हैं दोनों ही साइड में, आगे भी हैंडल मिल जाएगा। हेडरूम जो है मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए इतना हेडरूम बच रहा है। मेरी हाइट 5'10" है, एंड पीछे ये जो है इस टाइप का एरिया है कि यहाँ पर आप थोड़े बहुत अपनी मैगजीन्स वगैरह और रख सकते हैं। साथ ही ये जो हम्प है वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा बच्चा अगर बैठे, मतलब हाँ बच्चा इन द सेंस 15-16 साल का बंदा जो है यहाँ पर बैठ सकता है, फुल एडल्ट जो है वो नहीं बैठ पाएगा, उसको पैर रखने में यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। एंड यहाँ पर AC दिया हुआ है, चार्जर का पॉइंट भी दिया हुआ है, 12 वोल्ट का चार्जर है। एंड इस AC का वेंट जो है आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज भी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको आर्म रेस्ट भी मिल जाता है। ये अभी एक्चुअली पन्नी में पैक है तो मैं इसको निकाल नहीं सकता हूँ, बट ये आर्म रेस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। एक मिनट, अब निकाल देते हैं आर्म रेस्ट में। एक बार अपने को देखना भी पड़ेगा ना कप होल्डर। ओके, कप होल्डर दिए हुए हैं, आराम से यहाँ पर ऐसे हाथ रख के आप बैठ सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और जो है फील काफ़ी अच्छी हो रही है। सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे इसका थाई सपोर्ट जो है वो काफ़ी अच्छा दिया हुआ है गाड़ी में, तो उसकी वजह से आप कंफर्टेबली जो है इस गाड़ी में ट्रेवल कर सकते हैं। एंड हेडरेस्ट जो है वो भी काफ़ी अच्छा है, तो आराम से पीछे होके आप बैठ सकते हैं। चलते हैं अब आगे, एंड आगे की तरफ से मैं आपको बताता हूँ कि ये जो डिज़ायर है वो किस टाइप से लगती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का व्यू है इस गाड़ी का, तो वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड कुछ ना कुछ आगे भी नया किया हुआ है। डोर्स की अगर बात करें तो 1 लीटर बॉटल होल्डर यहाँ दी हुई है, स्पीकर्स की माउंटिंग की हुई है। यहीं पर आपको जो है ये पावर विंडो का कंट्रोल, कॉइन होल्डर एंड सिल्वर ट्रीटमेंट में आपको जो है डोर हैंडल्स दिए हुए हैं। एंड ब्लैक एंड बैच कलर के अंदर यहाँ पर आपको पूरी फिनिश मिल जाती है डोर्स की, वो प्रीमियम लगती है। और यहाँ पर जो है प्लास्टिक ही है, कोई लेदर फिनिश या आपको जो है फैब्रिक वगैरह नहीं मिलता है। इसको बंद कर दिया। डोर की थर्ड बिल्कुल सेम है, फ्रंट हुड की और पीछे बूट की जो है वो थोड़ी सी मुझे हार्ड लगी थी, यहीं से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसको लॉक अनलॉक कर सकते हैं। तो यहाँ आपको जो है ये फैब्रिक पूरा मटेरियल मिलता है, एंड ये काफ़ी अच्छा है। और ये जो ट्रीटमेंट है नो डाउट अपने सेगमेंट में बेस्ट आपको ट्रीटमेंट ये प्रोवाइड करती है डिज़ायर। यहाँ पर आपको सारे लॉक अनलॉक फीचर्स जो हैं उनके कंट्रोल्स दिए हुए हैं, यहीं से आप अपने जो ORVM है उनको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैगजीन्स रख सकते हैं, पेपर्स रख सकते हैं, एंड यहाँ पर आपकी वाटर बॉटल जो है आ जाएगी, 1 लीटर की बॉटल आ जाएगी। अगेन यहाँ पर आपको क्रोम फिनिश में डोर हैंडल्स, लॉक अनलॉक का बटन यहीं पर दिया हुआ है। एंड अब अगर बात करें नीचे, तो सीट को आप जो है मैनुअली हाइट एडजस्ट भी कर सकते हैं आगे पीछे, 6-way एडजस्टेबल ये सीट मिलती है। इसका फैब्रिक जो है वो बहुत अच्छा है, ये आपको प्रॉपरली दिख रहा है, नीट एंड क्लीन। सीटिंग के मामले में कभी भी सुजुकी ने कोई शिकायत जो है वो नहीं दी है। अंदर आना बाहर जाना काफ़ी ईजी है। की को जो है मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ, ये देख सकते हो यहाँ पर ये जो स्टेयरिंग व्हील, इसकी फिनिश जो है वो बहुत अच्छी है। ये जो टच है ये आपको थोड़ा सा प्रीमियम ज़रूर से फील कराएगा। टेलीफोन के कंट्रोल्स, मोड्स यहाँ पर दिए हुए हैं MID के। तो एक बार मैं गेट को बंद कर लेता हूँ एंड फिर आगे आपको सारे फीचर्स जो हैं वो बताता हूँ गाड़ी के। तो यहाँ आप लोग जो है वो देख सकते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको यहाँ पर मिल जाता है, उसी के नीचे आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप भी दिया हुआ है। हेडलाइट लेवलर जो है वो यहाँ पर माउंट किए हुए हैं। AC की जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर दी हुई है। ऊपर पूरा ब्लैक ट्रीटमेंट में जो है डैशबोर्ड दिया हुआ है, एंड डैशबोर्ड के ऊपर भी ये जो पूरी वुडन फिनिश है ये बहुत ही प्रीमियम फील करवा रही है। एक बार आप इस एंगल से देखिए तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड ऊपर इस टाइप से जो AC माउंट्स करें हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ शोपीस यहाँ पर रखा हुआ है, तो ये पोर्शन जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड ये स्क्रीन भी जो है ड्राइवर साइड थोड़ी सी यहाँ से टिल्ट की हुई है, ये वाला एंगल जो है वो इस तरफ आगे को है, तो अगर आप गाड़ी यहाँ से बैठे बैठे चला रहे हैं तो यहाँ पर आप पूरे कंट्रोल जो है कर सकते हैं। एंड मैं पूरी सीट को जो है अपने अकॉर्डिंगली सेट कर रहा हूँ। मैं पीछे थोड़ी सी सीट जो है रख के बैठना पसंद करता हूँ गाड़ी जब ड्राइव करता हूँ, तब भी मेरा हाथ यहाँ पर आराम से पहुँच रहा है। गाड़ी चलाते हुए भी अपन देखेंगे
कि हाथ पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, एर्गोनॉमिक वाइज कोई इशू है या नहीं है। बाकी हैज़न सच अभी कुछ ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है। लेदर फिनिश के अंदर ये स्टेयरिंग व्हील जो है वो बहुत अच्छी लग रही है। इसकी स्टिचिंग्स आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी नीट एंड क्लीन वर्क करा हुआ है और काफ़ी प्रीमियम अपील जो है वो दे रही है। एंड ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो ये देख सकते हैं इस गाड़ी को मैंने ऑन करा है, तो यहाँ पर ये MID जो है उसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सारे फीचर्स यहाँ से देख सकते हैं, किलोमीटर रेंज वगैरह कितनी है, और यहाँ से आप ट्रिप जो है वो भी सेट रिसेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है सारे कंट्रोल्स दिए हुए हैं हेडलाइट्स के, इंडिकेटर्स के, एंड यहाँ पर कंट्रोल्स दिए हुए हैं वॉशर वाइपर के। साथ ही यहीं पर जो ये कंट्रोल्स हैं इनसे आप जो है सारे सिस्टम को कमांड कर सकते हैं। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, सभी फीचर्स यहीं पर आपको मिल जाएंगे गाड़ी के अंदर। नीचे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल जाएगा, 12 वॉट का पावर सॉकेट, USB ऑक्स फीचर्स सभी यहाँ पर दिए हुए हैं। फ़ोन यहाँ पर रख सकते हैं, वायरलेस चार्जिंग नहीं है इस गाड़ी में। एंड ये थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर जहाँ पर मैंने की प्लेस की हुई है, ये है 5 स्पीड का मैनुअल गेयर बॉक्स। तो ये जो इंजन है वो 84 BHP की पावर जनरेट करता है एंड आपको देता है ऑलमोस्ट 114 Nm का टॉर्क। माइलेज की अगर बात करें तो 23.26 KMPL का क्लेम कर दी है कंपनी मैनुअल में, 24.12 KMPL का आपको मिलता है अराउंड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स में। तो माइलेज जो है वो बहुत ही अच्छा दिया हुआ है एंड अराउंड 20+ माइलेज आप आराम से इस गाड़ी से एनी टाइम सकते हैं। एंड ये जो है यहाँ पर लाइट के ऊपर ही आपको ऑटो डिमिंग IRVM एंड यहाँ पर वैनिटी मिरर दिया हुआ है गाड़ी के अंदर। तो फिनिश जो है वो काफ़ी अच्छी है, प्लास्टिक की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है, कलर्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, वाइब्रेंस यूज़ करें हैं, आपको बिल्कुल भी क्लस्ट्रोफोबिक फील नहीं होगा। केबिन जो है वो बहुत अच्छा है, एरी एरी सा है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो स्पेस जो है वो बहुत अच्छी है, मतलब 6 फीट 6 2 का भी बंदा अगर गाड़ी चलाएगा तो आराम से बैठ सकता है। सीट हाइट जो है एडजस्ट करके आप नीचे भी कर सकते हैं, अभी मैंने पूरी ऊँची करी हुई है। एंड यहाँ कोई स्पेस नहीं दी हुई है, इस स्पेस का अच्छे से और यूटिलाइजेशन हो सकता था मुझे ऐसा लगता है, एंड थोड़ी सी स्पेस यहाँ पर दी हुई है कंपनी ने। बाकी लेग रूम वगैरह जो है कोई कमी नहीं, देख सकते हो बहुत अच्छा खासा लेग रूम जो है वो दिया हुआ है। एंड यहीं से ये सारे टेलीफोन के कंट्रोल्स वगैरह जो है, वॉइस कमांड वगैरह, ये बोल रहा है पहले फ़ोन को कनेक्ट करना पड़ेगा उसके बाद में आप वो करिए। तो ये है पूरी नई डिज़ायर 2020। आई होप आप लोगों को इस गाड़ी को देखने में मज़ा आया होगा, सब चीज़ें समझ में आ गई होगी कि ये गाड़ी कैसी है क्या है। और बाकी अगर आप लोगों को इस गाड़ी के ऊपर बेस्ट डील चाहिए तो मेरा ऐसा मानना है कि जो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, MP में आप कहीं पर भी रहते हो मध्य प्रदेश में, तो आप लोगों को बेस्ट डील मिल जाएगी सुजुकी की किसी भी गाड़ी पे। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप नंबर चेक कर लिया करो, किसी भी गाड़ी का रिव्यू करता हूँ मैं, उसके लिए बेस्ट डील के नंबर जो है नीचे दे देता हूँ पूरे मध्य प्रदेश MP में। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले बटन को प्रेस कर लेना। मैं कास बाइक स्कूटर से रिलेटेड ऐसी न्यूज़ रिव्यूज़ कंपैरिजन वाली वीडियो रेगुलर अपने चैनल के ऊपर लेके आता रहता हूँ। मिलते हैं कल इसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, हैव अ नाइस डे, एंड हाँ फ्रेंड्स, ड्राइव सेफ।